क्या कहना चाह रही हो तुम? कि मैं झूठ बोल रही हूं? मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें तोहफा नहीं दिया, इस बात का मुझे दुख है। और मैं चाहती हूं कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं कि इत्बार, मोहब्बत, अपनाइयत क्या होती है। पूरे 5 लाख है, संभाल कर रखना, वो लाशों में भरोसा मत करना। बात बताओ सच सच, क्या तुम्हारे पास मम्मी ने 5 लाख रुपए की रकम रखवाई थी? फायज आप मेरे यकीन कीजिए, मम्मी ने वो पैसे रखवाए नहीं थे, शादी के गिफ्ट के तौर पर दिए थे। ओके ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मम्मी ने वो रकम तुम्हें तोहफतन दिया, लेकिन बाद में अपनी गलती का रियलाइज कर लिया। लेकिन वो रकम गई कहां? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों ना तुम शॉपिंग पे गई हो, ना तुमने कुछ किया है, रकम कहाँ गई? रूफी भाई को दे दिए थे मैंने। क्या? रूफी को? मगर किस लिए? क्या हुआ अरीन, इज एवरीथिंग ओके? तुम इतनी परेशान क्यों हो गए हो? अच्छा इट्स ओके, कम हियर। मैडम इट्स ओके, 5 लाख रुपए हैं, मामूली रकम है। ठीक है, मम्मी ने तुम्हारे पास रखवाई और तुमने किसी गलत फहमी में आके रूफी को दे दिया, तब भी इतना बड़ा मसला नहीं है कि तुम इतनी परेशान हो जाओ। रिलैक्स। फाइज मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख और खौफ आपकी नजरों में अपना मुकाम खो देने का, वरना ना मैं जिंदगी की मुश्किलों से डरती हूँ ना ही मौत के खौफ से। बहुत ही बेवकूफ हो, तुम्हें पता है मेरे दिल की दुनिया पे बिला शिरकत या गैर हुकूमत करती हो तुम। अभी तक अपना मकाम नहीं जानी? मैं मम्मी से बात कर लूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि तुम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हो गई। ठीक है, लेकिन वो रकम मम्मी तो तकाजा कर रही है उसका फायर। कहा ना परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लूंगा, इट्स ओके। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम दोनों के बीच में गलत फहमी हो गई, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतनी उदास हो जाओ। प्लीज चलो मुझे वो मुस्कुराहट दो जिसको मैं देख के अपने सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। कम ऑन स्माइल। गुड, चलो तैयार हो जाओ, कहीं आउटिंग पे चलते हैं। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, सारी मसरूफियत में हम एक दूसरे को तो बुला ही बैठे हैं। हमसे बड़ा भी कोई बेअकल होगा? कोई नहीं, लेट्स गो। मैं चेंज करके आती हूँ।